हेलो फ्रेंड्स, पायल आईएएस में आपका स्वागत है और आज मैं एक और पहल के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके अंतर्गत हम भारत की प्रमुख संस्कृतियों एवं मेलों के बारे में जानेंगे। आइए तो देखते हैं देवीधुरा मेला। माँ वाराही धाम लोहा घाट अल्मोड़ा मार्ग पर लोहा घाट से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास से लेकर अनेक पौराणिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यही प्रसिद्ध देवीधुरा मेला आयोजित हुआ करता है। आइए देखते हैं इसकी कथा। वैष्णवी माँ वाराही का मंदिर भारत में गिने चुने मंदिरों में से है। पौराणिक कथाओं के आधार पर हिरणाक्ष व अधर्म राज पृथ्वी को पाताल लोक ले जाते हैं, तो पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु बारह का रूप धारण कर पृथ्वी को बचाते हैं तथा उसे बामन में धारण करते हैं। तब से पृथ्वी स्वरूप वैष्णवी वाराही कहलाई गई। यह वैष्णवी आदि काल से गुफा गह्वर में भक्त जनों की मनोकामना पूर्ण करती आ रही है। आइए यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं उसके बारे में आगे जानते हैं। देवीधुरा लोहाघाट से 45 किलोमीटर तथा चंपावत से 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा बस, टैक्सी तथा अन्य स्थानीय यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर 136 किलोमीटर। आइए इसका मुख्य आकर्षण देखते हैं। श्रावण शुक्ल एकादशी से कृष्ण जन्माष्टमी तक अनेक आयामों को छूने वाले इस मेले का प्रमुख आकर्षण बगवाल है, जो श्रावणी पूर्णिमा को खेली जाती है। बगवाल एक तरह का पाषाण युद्ध है, जिसको देखने देश के कोने कोने से दर्शनार्थी इस पाषाण युद्ध में चारों खानों के दो तल एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। बगवाल खेलने वाले अपने साथ बांस के बने फर्रे पत्थरों को रोकने के लिए रखते हैं। मान्यता है कि बगवाल खेलने वाला व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से शुद्ध व पवित्रता रखता है तो उसे पत्थरों की चोट नहीं लगती है। सांस्कृतिक प्रेमियों के परंपरागत लोक संस्कृति के दर्शन भी इस मेले के दौरान होते हैं। यह मेला प्रति वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें अपार जन समूह दर्शनार्थ पहुंचता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मेले या संस्कृति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।